पैसा बरामद हुआ है और टिंकू की भी उसके आवास से ही गिरफ्तारी हुई है। दोनों अपने अपने आवास से गिरफ्तार। क्या था लूट की पूरी साजिश कैसे रची गई थी? इसमें जो पुलिस के अनुसंधान में बात आई है, चावल व्यवसाय के जो कर्मचारी पारस थे उनके यहाँ पार्टी वगैरह का आयोजन हुआ था, जिसमें ये अपराधी टिंकू वहाँ गए थे और इनके अन्य साथियों को भी उनके द्वारा सूचना दिया गया था कि यहाँ काफ़ी पैसा रखा जाता है। उसी क्रम में इनके द्वारा लगभग 15-20 दिन तक रेकी करते हुए प्लान किया गया और 27 तारीख को घटना का अंजाम दिया गया, जिसको पुलिस की टीम द्वारा घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। पैसा मारा। ये क्या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे? इस गैंग में शामिल सभी अपराधी प्रोफेशनल और हार्डकोर अपराधी है। सबका आपराधिक इतिहास है और कई बार ये लोग इसी टाइप के केस में जेल जाते हैं। राजीव नगर स्थित आवास किराए के आवास से हुई है और जो टिंकू है उसको प्रभाव से पैसे कहाँ से बरामद किए गए सर? एक छुपा के रखा था अपने किराए के मकान में रखा। कुछ पैसों का बंटवारा कैसे हुआ? अभी बंटवारा नहीं हुआ है, कुछ पैसा अपने अपने पास दो दो तीन तीन लोग मिल के रख लिया है, अभी बंटवारा होना बाकी है। उसके पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी सर कुल 5 लोग थे, 4 लूटने वाले और एक? इसमें टोटल 8 लोग की संलिप्तता है।